सेट्टू सहित करीब आधा दर्जन से अधिक संगठन मिलकर 23 मई को हमीरपुर में मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकालेंगे। इसमें सेट्टू, किसान सभा, SFI, भारत की नौजवान सभा, जनवादी महिला समिति सहित अन्य प्रगतिशील जनवादी संगठनों ने मिलकर जन एकता जन अधिकार आंदोलन शुरू करने का फैसला लिया है। मजदूर नेता जोगिंदर ठाकुर ने बातचीत के दौरान बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी व ना उदारवादी नीतियों के खिलाफ समाज के हर वर्ग में रोष है। उन्होंने कहा कि बीते 4 साल में भाजपा की नीतियों से चुनिंदा पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा है, दूसरी तरफ किसानों की आत्महत्या 45% बढ़ी है। नोटबंदी, GST जैसे काम करके आम जनता पर इसका बोझ डाला गया। उन्होंने कहा कि सरकारी आंकड़ों की माने तो अक्टूबर 2016 से 2017 के बीच 94 लाख के रोजगार छीन चुके हैं। देश में रेलवे, बीमा, बैंक, रक्षा उपकरण जैसे सरकारी स्वामित्व वाले संस्थाओं को प्राइवेट हाथों में सौंपा जा रहा है। उन्होंने कहा कि आंदोलन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा, अत्याचार पर रोक, मनरेगा को प्रदेश में लागू करवाना, साल में न्यूनतम 250 दिन का काम रूसा खत्म करना, उच्च शिक्षा में फीस वृद्धि और निजी स्कूलों की लूट बंद करना आदि शामिल होगा। 23 मई को हमीरपुर में गांधी चौक पे एक बहुत विशाल रैली होगी, जिसमें पूरे देश के पैमाने पर जितने भी वामपंथी संगठन हैं, चाहे वो सीटू है, मजदूरों का संगठन, SFI है, छात्रों का संगठन, नौजवान सभा है, महिला समिति है, किसान सभा है, जितने भी वामपंथी संगठन हैं, मोदी सरकार के 4 साल पूरा होने पर और जिस तरीके की नीति उन्होंने अपनाई है उसके चलते देश में हर आधे घंटे के अंदर ये किसान आत्महत्या कर रहा है और कहीं रोजगार बचा नहीं है, और जो कुछ लोगों को रोजगार लगा भी था उन लोगों को भी जो है अपने रोजगार खोने का खतरा जो है मंडरा रहा है, और पूरे देश के अंदर अर्थव्यवस्था बहुत बुरे तरीके से असफल हो रही है, और इन नीतियों के चलते जो जीवन की बुनियादी ज़रूरतें हैं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, बिजली, पानी, ये तमाम तरह की सुविधाओं को जो है अब निजी हाथों में ठेके पर कंपनियों के हवाले किया जा रहा है, जिसके चलते ये चीज़ें आम आदमी के पहुंच से दूर हो जाएंगी और इससे आम आदमी का जीना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये सारी इन नीतियों के खिलाफ जो है 23 मई को पूरे देश के पैमाने पर वामपंथी संगठन जन एकता जन अधिकार आंदोलन के मन से एक प्रदर्शन करेंगे, और अगर सरकार इन नीतियों को नहीं बदलती है तो आने वाले समय के अंदर ये आंदोलन और भी व्यापक होगा, और इस आंदोलन को जब तक सरकार मानती नहीं है तब तक इस आंदोलन को पूरे देश के पैमाने पर बड़े पैमाने पर जो है चलाया जाएगा। देखो जिस तरीके का हमारे देश में लोकतंत्र की हालत हो रही है, एक तरीके से कहूँ हत्या की जा रही है, जो जिस तरीके का वहाँ की जनता ने जनादेश दिया है वो विखंडित जनादेश है, और जो देश के संविधान के मुताबिक जो वहाँ पे गठबंधन या पार्टियां मिलकर सरकार बनाने की स्थिति में है उनको राज्यपाल द्वारा न्योता दिया जाना चाहिए था, उनको प्राथमिकता दी जानी चाहिए थी, मगर जिस तरीके से BJP खरीद फरोख्त की राजनीति करे, जिस तरीके से हमने पहले भी गोवा के अंदर, मणिपुर के अंदर और भी राज्यों के अंदर देखा है, तो ये बहुत ही नुकसानदायक स्थिति है। मगर हम एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने चाहे कांग्रेस की सरकार बने, इन दोनों का नीतियां एक जैसी हैं और इससे जनता के जीवन स्तर में कोई सुधार होने वाला नहीं है। हमें एक ऐसा विकल्प पेश करना है जो जनता के मुद्दों को जो है राजनीति के केंद्र में लाए।